द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शैलेश मटियानी की लिखी कहानी, उसने तो नहीं कहा था। राइफल की बुलेट आड़ के लिए रखी हुई शिला पर से फिसलती हुई जसवंत सिंह के बाएं कंधे में धसी थी, मगर फिर भी काफी गहरी चोट लग गई थी। उसकी आंखें इस वेदना से पथरा कर यूं घूम गई थी जैसे गोली खेलने में माहिर छोकरे अपने अंगूठे और तर्जनी में दबाकर कांच की बिल्लोरियों से ऐसे घुमा देते हैं कि बिल्लोरियां घूमती रह जाती है एक दायरे में, और कच्ची सड़क की धूल उन्हें ढकती चली जाती है। जसवंत सिंह की आंखों की पुतलियां अपनी ही धूरी पर घूमती चली गई थी और उसे लगा था कि उसके आसपास की घाटी का सारा कोहराम एकदम तेजी से सिमटता हुआ उनकी आंखों को ढाप रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उलटती पलटती पर्त दर पर्त सफेद कफन में लपेटती ही चली जा रही है। अचानक ही सिर्फ एक क्षण के लिए जसवंत सिंह को अपने पिथौरागढ़ शहर की दर्जी शेरू मियाँ की घरवाली लक्ष्मा बीबी की याद आ गई थी। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक बुरके में ढकी हुई एक और आकृति चोट खाए फनियर की आंखों में उतरते हुए प्रतिबिंब की तरह अपनी ही धुरी पर गोलाकार घूमती हुई पुतलियों पर छा गई है। सामने के टीले पर राइफल साधे हुए कुंवर सिंह की लक्ष्मी एक ठोर नहीं टिकती, मगर लक्ष्मा ठकुरानी तो एक ठोर जरूर टिक गई है। बुलेट की चोट का अंधा कोहरा पुतलियों पर से धीरे धीरे छटने लगा तो जसवंत सिंह ने घाटी के कोहरे को भेदने की भी चेष्टा की। कंधे पर से खून बहता जा रहा है। इतनी सुधी रहते भी जसवंत सिंह अपने कंधे को सिर्फ दाएं हाथ से दाबे ही रह गया। कुंवर सिंह उसी की ओर बढ़ता चला आ रहा है। जसवंत सिंह को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कोहरे की दीवारों के पार पत्थर की ओठ में छिपी रहने के बावजूद दुश्मन के सिपाहियों ने इतना सही निशाना कैसे साध लिया, और कोहरे की दीवारों के पार मरते अपने दुश्मन को जसवंत को चुपचाप देखते रहने की जगह कुंवर सिंह ने अपनी राइफल दुश्मन के सिपाहियों की ओर क्यों मोड़ ली। जसवंत सिंह सोच रहा था कि गश्ती टुकड़ी के बिखरने के मूल में कुंवर सिंह की साजिश थी कि अकेले पड़ जाए तो कुंवर सिंह उसे मार डाले। कुंवर सिंह कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है जहां चट्टानों पर कोहरा फैलकर छीना पड़ गया है। कुंवर सिंह दिखाई दे गया है और जसवंत सिंह को लगा कि आज कुंवर सिंह बार बार लक्ष्मा बीबी का सफेद बुरका उतार रहा है, और उसे लग रहा है कुंवर सिंह आज फिर उसके अपने बीच का नहीं लक्ष्मा बीबी और लक्ष्मा ठकुरानी के बीच का फासला तय कर रहा है। क्यों ठकुरानी बीबी, तेरा ब्याह हो गया क्या? बिलाई गांव में भी ऊंचे चुटीले टीले पर्वतों की कमी नहीं है, इतना ही घना कोहरा वहां भी छा जाया करता है, इतने ही उतार चढ़ावों वाली घाटियां वहां भी है, मगर यहाँ की बंजर घाटियों की तुलना में बहुत ही उपजाऊ। जसवंत सिंह सोचता है कि अगर कहीं वहां के खेतों में युद्ध लड़ा गया तो पहले लहलहाती फसलें रौंदी जाएंगी, क्योंकि ऊंची फसल के पार छिपे हुए कोहरे के आवरण में बिल्कुल गेहूं के पौधों की तरह लिपटे हुए जसवंत सिंह पर गंजी आंखें निशाना साध नहीं पाएंगी। राइफलों की मक्खियों के समांतर गेहूं की बालिश्त ऊंची बालियां झूलती चली जाएंगी, और सिपाही चाहे किसी देश का हो, हिंदुस्तान का या चीन का, किसान से सिपाही बनकर जो आता है ये अन्न की झूलती बालियों पर सही निशाना नहीं साध सकता। जिस तरह गेहूं की बालियों की बनावट नहीं बदलती, किसी भी देश के किसानों का वह अनमोहन नहीं बदलता है जो ओलों से फसल टूटने पर भी कमर टूटने की सी यातना से व्यथित हो उठता है, और इसलिए जब किसान सिपाही बनकर लड़ता है तो फसलों के टूटने से पहले अपने कंधों की हड्डियाँ टूटने पर भी मौत के भय से कातर नहीं होता। कुंवर सिंह जसवंत सिंह ने लक्ष्मा ठकुरानी को उस घर में ही थिरते देखा, नहीं तो लक्ष्मी ठहर जाती है,
लच्छी मां नहीं ठहरती थी। रंगीन चूड़ियों फुन्नों के ठेकेदार, फैशनेबल कपड़ों के दर्जी शेरू मियाँ के यहाँ भी वह नहीं टिकी थी। जसवंत और कुंवर दोनों दाएं बाएं बैल जैसे एक साथ शहर आया करते थे। सिंगल टोला के पास के चामुंडा देवी के मंदिर से बाहर निकलकर पास की झाड़ी में छिपाया हुआ बुरका पहनकर लौटती हुई लक्ष्मीमा बीवी को बहुत दूर से देखा था उस दिन उन्होंने, और कुंवर सिंह बोल उठा था, क्यों जसवंत, यह मुसलमानी चामुंडा देवी के मंदिर में क्यों गई होगी? जसवंत बोला था, मुसलमान हिंदुओं के देवताओं को भ्रष्ट करते हैं, सुना तो होगा तूने। अरे ओ मुसलमानी, ऊंचे टीले पर से जसवंत ने आवाज दे दी थी, अरे ओ बुरके वाली बीबी। बुरके वाली बीबी ठहर गई थी। हे मैया, तू ही रक्षा करना, देख लिया है शायद किसी ने मंदिर में जाते। क्यों बीबी, क्या करने गई थी देवी के मंदिर में? अरे ओ मुसलमानी, बोलती क्यों नहीं? कोहरे से ढके गाच जैसी बुरके वाली चुपचाप खड़ी थी। जाली से दोनों तरुण छोकरे उसे दिखाई दे रहे थे। दोनों की आंखों में सुलगता रोष भी दिखाई दे रहा था। अरे यार, अल्मोड़ा की नयानियों ने बुरका क्या उड़ लिया, सफेद आसमान पर उड़ती फिरती हैं सुसरियां, जसवंत ने व्यंग्य पूर्वक कहा था, और कुंवर सिंह ने बाज की तरह झपटकर बुरका उतार लिया था। कोरा छटने के बाद ओस की बूंदों से झिलमिलाते हुए गाच जैसी लक्ष्मीमा कांप उठी थी। फिर साहस जुटाकर बोली थी, मुसलमानी नहीं, ठकुरानी हूँ ठाकुर, और क्या मुसलमानी किसी की बहू बेटी नहीं होती ठाकुर? ओ, ये तो शेरू मियाँ की ठकुरानी है। दोनों अल्लड़ एकाएक खिलखिला उठे थे। खसम टोकुआ ठकुरानी, और खसम टोकने के लिए बदनाम ठकुरानी एकदम रो पड़ी थी। जसवंत और कुंवर दोनों ही जानते थे कि शेरू मियाँ के यहाँ अब के जो ठकुरानी बीबी बनकर बैठी है वे 3 बार की विधवा है। 2-3 महीने पहले ही सुनी थी दोनों ने यह खबर। शहर में और दोनों की धारणा यही थी कि कोई विकराल प्रौढ़ा होगी, मगर सामने बिलकती ठकुरानी बीबी तो कहीं भी इतनी विकराल या विषैली लगती नहीं थी कि 3-3 हत्याओं की प्रतीति उस पर थोपी जाए। मुश्किल से 22-23 वर्षों की तरुणी लक्ष्मीमा ठकुरानी अब भी घाघरा आगड़ा ही पहने हुए थी, और बुरका उतारने के बाद तो वे साक्षात ठकुरानी ही लग रही थी। मुर्गे हाँकने वाली बीबी नहीं, दातुली की मूठ बजाते हुए खेत वन जाने वाली ठेठ ठकुरानी। कोरा छट जाने के बाद ओस चुआती नींबू की फली डाल जैसी ठकुरानी। क्यों बीबी, चौथा शेरू मियाँ भी मर गया क्या? यों रुद्र कलश जैसी क्यों फूट रही है भला? कौन सा ऐसा गला रेत दिया तेरा हमने? अब के कुंवर सिंह के स्वर में संवेदना थी। जिसके लिए ईश्वर ही मर गया हो उसे कोई जिंदा भी क्या सुख दे सकता है ठाकुर? फूटे हुए कलश में टांके तो लग जाते हैं, टूटा हुआ हिया कहाँ जुड़ता है भला? चौमासे में खिसकी हुई चट्टान जैसे लक्ष्मीमा ठकुरानी को थिरने को कहीं ठोर ही नहीं मिली थी। एक बार 7 बरस की उम्र में ही विधवा बनी थी, दूसरी बार 13वें वर्ष में, और तीसरी बार पिछले ही बरस में। शेरू मियाँ दर्जी और मणिहार दोनों था। कपड़े चूड़ियों की गठरी गांव गांव फिराता रहता। लक्ष्मीमा की कहानी सुनो तो धीरे धीरे चूड़ियाँ चढ़ाने लगा। एक दिन लक्ष्मीमा ने व्यंग्य कस दिया था, मियाँ तुम्हें भी कब्र तक पहुँचाना है क्या? मगर शेरू मियाँ का उत्तर था, तेरे लिए तो जीते जी कब्रिस्तान में जाने को तैयार हूँ ठकुरानी। तूने मियाँ के साथ निगाह कर लिया है ठकुरानी, मुर्गी से तेरा हिया नहीं घिनाता? कुंवर सिंह ने पूछा था। मुसलमान से ब्याह करते तेरा कलेजा नहीं दरका लक्ष्मीमा? छाछ बिलोते में रोली के फिरके गिने जाते हैं ठाकुर, प्यार करने में मर्द का फिरका नहीं देखा जाता, चाहता फिरका तो बाहर की औरत देखती है, भला अंदर की औरत तो पुरुष की शरण चाहती है। लक्ष्मीमा ठकुरानी कह गई थी, मगर शर्मा भी इतनी गई थी कि बुरका लेने का भी होश नहीं रहा। सड़क पार ढलने लगी तब होश आया कि बिना बुरके के देखेंगे तो मियाँ ताने देंगे।
लौटी थी तो जसवंत के टोकते टोकते भी कुंवर सिंह ने उसकी बाह पकड़ ली थी। उतरा हुआ बुरका फिर से ओढ़ना चाहती हो लक्ष्मीमा? कुंवर सिंह का जीवट, कुंवर सिंह का जोश बहुत निकट से देखा है जसवंत सिंह ने। अक्षरों का पूरा ठाकुर वही देखा है। लाख शेरू मियाँ ने छुरा मारने की धमकी दी मगर सिर्फ खाली बुरका ही से वापस मिला। लाख जात बिरादरी के लोगों ने रोका टोका मगर लक्ष्मीमा ठकुरानी कुंवर सिंह से नहीं छूटी। घर उसने छोटा सा अलग बसा लिया, पानी का नोला उसने अलग बना लिया, छोटे से सोते का बांध कर लक्ष्मीमा ठकुरानी की गागर डूबने जितना गहरा बना दिया। जसवंत सिंह ने ही तो उसे लक्ष्मीमा ठकुरानी का नोला कहा था। कुंवर सिंह फासले को काटता जा रहा है और जसवंत सिंह की आंखें बंद होने लगती है ग्लानी से कि शुरू में खुद का वह जीवट नहीं दिखा सका था, मगर एक बरस कुंवर सिंह परदेश क्या रहा, लक्ष्मीमा उससे भी नहीं छूटी थी। लक्ष्मीमा कहती थी, देवी मंदिर से निकली थी तो तुम दोनों की राम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी देखी थी, हिया बराबर बट गया है। जसवंत सिंह ने लक्ष्मीमा ठकुरानी को बहुत निकट से देखा है। ना जाने कैसा मन है लक्ष्मीमा ठकुरानी का, मोह ममता रीतती ही नहीं उसकी। कहती थी, मुझे तो लगता है दो पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूँ। औरत दो पर्वतों के बीच भले ही नदी जैसी बहती हुई दोनों ओर की धरती सींचती रहे, मगर पुरुष तो दो वादियों के बीच भी पर्वत जैसा ऊपर ही उठा रहना चाहता है। परदेश से लौटा था तो लक्ष्मीमा ठकुरानी ने खुद ही बता दिया था और एक दिन सिसकती सिसकती कह गई थी, मैंने सोचा था कुंवर फिर खिलखिलाकर उठेगा कि क्यों दो दो को एक साथ टोकना चाहती है, मगर कुंवर ने मेरे मुंह पर थूकते हुए कह दिया है, या तो तुम्हारे घर बैठूं या कुंवर के ही। कुंवर ठाकुर कहता है तू जसवंत के चली जा तो मैं आत्मघात कर लेता हूँ, मेरी घर रहती है तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, और वह कहता है तो आखिर में जरूर दोनों को टोकेगी। ठाकुर मेरे हृदय को चीर सकोगे, देख सकोगे मेरी बावली आत्मा को। एक महतारी जैसे कई छोनों को संभालती है, ऐसे ही ममता से मैंने तुम दोनों को संभाला था। मैं तो पातर चरित्र भ्रष्टा ही हूँ ठाकुर, मगर ममता भ्रष्ट नहीं हुआ करती। तभी तो कहती हूँ, या तो ईश्वर ने इतना पागल हिया नहीं दिया होता या द्रौपदी के जैसे पांडव दिए होते, मैं तो पातर की पातर ही बनी रही, खसम टोकने का कलंक और झेलती रही हूँ। मैं किसे चीर के दिखाऊं अपना कपाल कि खसम तो मैंने भोगे ही नहीं, छोकरों को संभालती थी उनसे भी दूर ही हूँ। आज से तुम अब मेरा मुंह नहीं देख पाओगे ठाकुर। और जसवंत सिंह पलटन में भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद उसने लक्ष्मीमा को लेकर कई स्त्रों पर सोचा था। जसवंत ने लक्ष्मीमा को समझा बुझा दिया था, दुनियादार पुरुष का मन तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता ठकुरानी, मगर ईश्वर जरूर क्षमा करेगा। कुंवर सिंह को तुझसे अपार मोह है लक्ष्मीमा, औरत की ममता दोस्तों में पटने की चीज नहीं होती। वैश्या को कोई भी बांट लेता है, वे तुम्हें अपनी घरिणी समझता है, इसलिए बिफर उठता है। पिता का बनाया हुआ घर भाइयों में बढ़ता है, तब भी घर की कोई बहू किसी दूसरे के हिस्से नहीं लगाई जाती। तुमने दुखी तो भोगा है ठकुरानी, सुख भी भोगो कुछ। बहुत तटस्थ होकर सोचा था, मगर उसका अपवाद नारी रूप भी पकड़ में नहीं आया था। अब तो बरसों बीत गए, उसके बाद ही पैतृक संपत्ति से बेदखल कुंवर सिंह भी पलटन में भर्ती हो गया था। और जब भी आमना सामना हुआ है उसकी प्रतिहिंसा से सुलगती आंखों के पीछे जसवंत को एक बहुत ही क्रूर संकल्प दिखाई देता रहा। वही क्रूर संकल्प जो बरसों पहले कुंवर सिंह की आंखों में अंकुर की तरह फूटा था और अब बढ़ता चला गया है। कटीले का ये झाड़ बीच में खड़ा है बरसों से। जसवंत सिंह ने बार बार इस झाड़ को काटना चाहा है, मगर बार बार उसे यही लगा है कि कुंवर सिंह कटीले के झाड़ के रूप में ही उसे देखता है, दोस्त के नहीं। और आज जसवंत सिंह मौत की खाई में दफन ही हो जाता कि कुंवर सिंह ने उसे बचा लिया है,
अपनी ओर निशाना साधने वाले दुश्मन के दोनों सिपाहियों को कुंवर सिंह की गोलियों से मरते हुए खुद तो जसवंत सिंह नहीं देख सका था, मगर अनुमान जरूर हुआ था। जसवंत सिंह को एक ये संतोष अवश्य था कि अच्छा हुआ दुश्मन के सिपाहियों को कोहरे के पार भी उसने देख लिया था, अन्यथा उसे कुंवर सिंह पर ही संदेह होता कि उसने ही मुझ पर गोली चलाई है। फासला और घटता जा रहा है, कोहरा और छटता जा रहा है, मगर लक्ष्मी ठकुरानी का फासला नहीं घटता है। लगता है कुंवर सिंह की आंखों का कटीला गाच कभी नहीं कटेगा। लगता है द्वेष का जो कोहरा है वे आंखों की पुतलियों पर से कभी नहीं छटेगा और कटीले के गाच की जड़ों का उच्छेद कभी हो नहीं पाएगा। कुंवर, एक मग पानी और पिला दे भाई, यहाँ का पानी भी उतना ही ठंडा है। जसवंत सिंह कहना चाहता था जितना लक्ष्मी ठकुरानी के नोले का, मगर कह नहीं सका। शिविर की चारपाई पर होश में आने के बाद ही जसवंत सिंह सोच सका। कुंवर सिंह की आंखों में उसको अपनी ही शंका का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था। कुंवर सिंह कहता था, यार तुझे आंखों के सामने देखकर भी यो नहीं बोल पाता था, कहीं तेरे दिल में यही मलाल ना हो कि मैंने लक्ष्मी को तुझे प्यार नहीं करने दिया। फिर एकाएक उसकी आंखें गीली हो आई थी, लक्ष्मी की जिंदगी के बाहरी खोल सभी ने देखे, जसवंत उसकी आत्मा का दर्द कोई नहीं पहचान सका। मैं उसके प्यार को भी तिलांजलि दे सकता था, मगर मैंने उसका दर्द टटोल लिया था और उस दर्द को खो सकने की कठोरता मैं कभी बटोर नहीं सका। जब से बच्चे हो गए तब से तो लक्ष्मी बहुत बदल गई है, तेरा जिक्र भी नहीं करती थी। कुंवर सिंह ने कहा तो सही, मगर जिक्र नहीं करती थी, कहते हुए उसकी आवाज़ कुछ कांप सी गई। जसवंत सिंह को लगा कुंवर सिंह सिर्फ दर्द को ही नहीं प्यार को खो देने का साहस भी कभी नहीं बटोर सकता। लगातार दो दिन दो रात कुंवर सिंह जसवंत की चारपाई से लगा रहा। जसवंत उसे अपना एक सपना बताना चाहता था कि सपने में तू तो यार मुझे गोली से उड़ा देना चाहता है, मगर तभी मुझे लक्ष्मी ठकुरानी के वचन याद आ जाते हैं कि अब तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो दुनिया ना कहे, मगर मेरी आत्मा को तो कलंक लग ही जाएगा। सच बता कुंवर, तूने तो मेरी हत्या का संकल्प त्याग दिया, कहीं लक्ष्मी ठकुरानी के कहने पर ही तो नहीं। लेकिन संकोच टूटा नहीं, दूसरा यह भी संभावना थी कुंवर सिंह बुरा ना मान जाए। वह कहना चाहता था, अब तो ठकुरानी दो बच्चे की माँ है, मेरे मन में अब वे एक माँ भी है, सिर्फ औरत नहीं, मगर कह नहीं सका था। नहीं ही रहा गया तो दूसरे ढंग से पूछ लिया, मुझे तुमने मरते मरते बचा लिया कुंवर, तुम्हें ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मरने दूँ ससुरे को? कुंवर सिंह की आंखों में एक चमक तैर गई। लगातार यही बात तो तुम्हें बेध रही है जसवंत, कि तुम्हारी हत्या करने की बात कहकर भी जो मैंने तुम्हें मौत से बचाया है तो कहीं उसी ने तो नहीं कहा था? बोलते बोलते कुंवर सिंह का कंठ भराया था। उसकी आत्मा में क्या भावना रही नहीं जानता मेरे भाई, मगर मेरे मुंह पर कभी भी उसने कुछ कहा नहीं। मुझे जो तुझसे ये द्वेष था कि तूने दोस्त होकर भी मुझे परदेश में जाने पर धोखा दिया, वे धुंधला जरूर पड़ गया था। मैं तेरी हत्या करना नहीं चाहता था, मगर शायद मैं तुझे दुश्मनों के हाथों से मरते देखकर कठोर बनकर चुपचाप तटस्थ तो रह सकता था, मगर उसने भले ही नहीं कहा था जसवंत, लेकिन मेरी आत्मा ने उस क्षण जरूर दो बातें कही। कुंवर सिंह की आंखों का कोहरा ओस की तरह चूता चला गया। एक तो यह कि तू और मैं यहाँ एक ही फौज के दो सिपाही हैं और हम दोनों पर सिर्फ एक दूसरे की ही रक्षा का नहीं बल्कि इस धरती की रक्षा का भी बोझ है, जो सैकड़ों मील के इस लंबे फासले पर से अब इस वक्त हमारे विलाई गांव तक फैलती चली गई है। यह लक्ष्मी ठकुरानी का नोला और चामुंडा देवी का मंदिर है, और दूसरी यह कि तू मारा गया
और तेरे मरने का तार तेरे घर पहुंचा। लच्छी माँ ठकुरानी तक भी बात पहुंची, तो कहीं उसकी पीड़ित आत्मा सचमुच ही ना बिलख पड़े कि कभी तुझे भी उसने प्यार किया था, सो तू भी मारा गया और मुझे भी वह प्यार करती है, तो कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। पानी और पिएगा ठाकुर? जसवंत सिंह ने उसकी छलछलाती आंखों पर अपनी कांपती हुई हथेलियां रख दी, तो उसे लगा कि वह लच्छीमा ठकुरानी के प्रतिबिंब को छू रहा है, और उसे लगा कि लच्छीमा ठकुरानी के नोले का ठंडा पानी उसकी उंगलियों के जोड़ों में से चूने लगा है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।